टच करने करने में यार तो पागल हो और मिल जाएगी अच्छी से अच्छी मिल जाएगी मतलब जान वान क्यों कह रहे हो आप अपने हाथों से ये सब काम नहीं कर सकते मैं क्यों करूं मैं किसी की जान की मैं भगवान को बोलूंगा कि प्रभु जी उनको जल्दी उठा लो मैं मुझे ही जल्दी उठा ले मुझे उठाए ये अच्छी जगह नहीं है हाय कैसे एक मिनट पकड़ना यार मेरा ये चश्मा तो यहाँ रख देता हूँ ये आईफोन 12 प्रो मेरा नेक्स्ट ये मेरा प्रस है ये मेरा ऊपर मोबाइल फोन है ये यहाँ रख रहा हूँ या फिर आप घर लेकर जा सकते हो ये मेरा माइक है मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को अमानत किया है मैं यूट्यूब पर प्रैंक वीडियो बनाता था ठीक है और अभी बनाता हूँ वैसे पर आज मैं जा रहा हूँ ये मेरी घड़ी है ये मतलब वैसे तो वाटर प्रूफ है पर इसको मैं लेकर चला जाऊँ मैं आज ना हैप्पी एंडिंग कर रहा हूँ खुद की क्यों मतलब पता है क्या प्रॉब्लम हो गई मेरे से मैं बहुत परेशान हुआ मेरी गर्लफ्रेंड थी ना जो हमारा 3 साल का रिलेशन था और वो किसी और लड़के के साथ भाग गई किसी और के साथ शादी कर ली एकदम से उसने बिना बताए मैंने फ्यूचर बना रखा था उसके लिए पढ़ना चाहता था उसके मरना जरूरी है यार मैं अभी मैं समझ नहीं पा रहा कुछ भी यार मैं आइडिया नहीं मिल रहा मुझे क्या करूं पागल हो क्या मतलब अपनी जान वान दोगे यार मैं क्या करूं ये एक लड़की के लिए आपके पेरेंट्स वेरेंट्स नहीं पूछेंगे आप ये सामान उठाओ जाओ घर अपने यार वो लड़की अपना घर बार छोड़ के आने वाली थी मेरे पास अरे तो फिर भी मरना क्यों एक लड़की के लिए और मिल जाएगी आपकी लाइफ है एंजॉय करो किसी और के साथ चलेगी मैंने फ्यूचर प्लान बना रखा है किसी और के साथ चले जाओ कहां से ढूंढूं मैं 3 साल इन्वेस्ट किए थे सही हो अपने पेरेंट्स के लिए जियो अपनी तुम्हारे पेरेंट्स घर पे देख रहे होंगे नहीं प्लीज पकड़ लो मेरे पागल हो क्या नहीं आप इधर मेरे सामने तो मत मरो क्यों नहीं मरो आप अरे तो फिर भी क्यों मर रहे हो क्यों मरना चाहते हो अपनी इतनी अच्छी पागल पागल हो क्या नहीं मतलब देखो आप समझ नहीं रहे मेरी फीलिंग अरे तो फिर भी मरना क्या है मैं अब मेरा कुछ बचा ही नहीं यार सब कुछ खत्म हो गया मरने की जरूरत क्या है ये बताओ पहले अभी आपके पेरेंट्स मैं घर पे क्या मुंह दिखाऊं घर वालों ने बोला था कि उससे मिलवा दे जिससे तू शादी करने वाला है तो किसी और को देख लो इतनी लंबी लाइफ पड़ी है जिससे उसने दूसरी ढूंढ ली एक दूसरे ढूंढा आप भी पागल हो क्या बिल्कुल नहीं एकदम से डिसीजन क्यों गुस्सा करेंगे और देख लेंगे पागल वागल हो क्या मतलब दिमाग खराब कर रहे हैं यहाँ पर मेरे वीडियो कॉल से बात कर रही थी लड़की मैं पुलिस को फोन कर दूंगी यार पुलिस वाले मुझे मारेंगे यार मैं ज्यादातर तरह के नहीं आप इधर ऐसे जान भी दे रहे हो अपनी सब कुछ खत्म हो गया अरे तो अच्छा बताओ देखो मेरे अपने पेरेंट्स को करने में यार पागल हो और मिल जाएगी अच्छी से अच्छी मिल जाएगी मतलब जान वान क्यों कह रहे हो आप अपने हाथों से ये सब काम नहीं कर सकते मैं क्यों करूं मैं किसी की जान की मैं भगवान को बोलूंगा कि प्रभु जी उनको जल्दी उठा लो मैं मुझे ही जल्दी उठा ले मुझे उठाए ये अच्छी जगह नहीं है नहीं ये बहुत अच्छी जगह है आप इंजॉय करो अपनी लाइफ में हम भी तो रह रहे जरूरी है किसी लड़की के साथ सिंगल लाइफ भी रह लो कब तक रहूं सिंगल तो आपके पेरेंट्स देख देंगे ना आपकी लड़की तो क्यों जान दे रहे हो अपनी मैंने घर वालों को मना कर दिया था कि आप मेरी कोई लड़की मत देखना मैं खुद देखूंगा तो पागल हो मैं धोखा खा गया सामान उठाओ अपने घर जाओ यदि सब ये सब ये सब मोह माया मैडम से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता ठीक है लड़कियां कोई वो नहीं होती ये सब मोह माया सब लड़कियां पागल होती हैं जो आधे लड़कों ये सब मोह माया है उनकी वैसे हम जैसी लड़कियों की बदनाम होती है जो सीरियस होती है किसी के साथ ऐसे तो हमें भी धोखा मिलता है हम तो नहीं मर जाते अपने आपको धोखा मिला है हाँ मिला है तो मैं तो अपने लाइफ हैप्पी अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय हूं ना कर रही हूं ना या अपनी मॉम के साथ रह रही हूं अपनी मॉम के लिए जिंदा हूं यार चलो मैं भी किसी के लिए मेरे लिए तो कोई रीजन होना चाहिए जीने का तो आप पेरेंट्स को देखो अपने पेरेंट्स का प्यार देखो सबसे बढ़कर कोई नहीं है ठीक है तू अब मेरे फ्रेंड्स भी बन जाओ यार मेरे फ्रेंड भी नहीं है जिंदगी इसमें सच पेरेंट्स तो है ना पेरेंट्स भी फ्रेंड होने चाहिए ना फ्रेंड बन तो सकते हो आप हां मैं फ्रेंड बन जाऊंगी अपना नंबर दे दो मैं ऊपर जाके बात कर लूंगा हां ठीक है मैं नंबर दे दूंगी पर आप अभी सारा सामान उठाओ अपने घर जाओ अपने मॉम को किसी को फोन करो ऊपर जाके बात कर लूंगा आपसे ऊपर जाके क्यों करोगे सामान उठाओ और जाओ पहले नंबर तो दे दो बात नहीं नहीं यहां पर ये कोई नहीं है मरना अब नंबर तो दे नहीं तुम घर जाओ मैं नंबर दे दूंगी ठीक है चला जा रहा हूँ थैंक यू यार आपने बहुत हेल्प नहीं मैं दे दूंगी पहले आप ये फोन वन उठा रहा हूँ थैंक यू सो मच यार सच में मेरे को ना ये मतलब एक क्या बोलते हैं उसको मिनट
थैंक यू सो मच। ये लड़कियों के चक्कर में अपनी जान मत दो, ठीक है? नहीं दूंगा मैं, सबसे मेन पहले फ्यूचर बनाऊंगा। मम्मी पापा है, मम्मी पापा से बढ़कर कोई प्यार नहीं करता। पहले मम्मी पापा से, मैं तो सब उनसे प्यार करता हूं। एक काम करता हूं, मैं गर्लफ्रेंड तब बनाऊंगा जब मैं खुद सेट हो जाऊंगा। कल जरूर ये गर्लफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड शादी कर लूंगा। एक काम करो, शादी करो, अपने पहले खुद पैरों पर खड़ा हो जाता हूं। लड़कियों के पीछे अपने जान मत दो, ये फालतू के काम है ये। नहीं दूंगा, ऐसे तो हम भी लड़कियां हैं, हम लड़कों के चक्कर में जाते हैं। लड़कियां समझदार होती है, लड़कियों के पास दिमाग होता है। हम पेरेंट्स के लिए जीती है ना, अपने मॉम डैड के लिए जीती है। आपके पास दिमाग होता है, आप दिमाग से दिमाग का यूज करते हो, तो आप भी दिमाग यूज करो ना। मैंने दिल लगाया था, मैंने दिल लगाया, क्यों लगाया है ऐसे पागल लड़कियों के लिए दिल लगाया जो छोड़ के चली गई। चलो कोई बात नहीं मैडम, थैंक यू सो मच, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम यहाँ पे कैमरा लगा रखा, मैंने रिकॉर्ड कर रहे कि कोई कैसे हेल्प करेगा नहीं करेगा। थैंक यू सो मच यार, आप काफी अच्छे हो। तो फिर भी मतलब ये ऐसे कौन, मैं थोड़ा सा मतलब रिएक्शन देख रहा था कि कैसे कौन रिएक्ट कर दे, मतलब मरने वाला फुल हो नहीं हो, क्या सुझाव देते हो, क्या मतलब। मैं तो ये सुझाव दूंगी कि कभी भी लाइफ में बस पेरेंट्स को देखो, प्यार से बढ़ के पेरेंट्स है, ठीक है? थैंक यू सो मच। वो उन्होंने अपने आप मतलब अपनी पूरी लाइफ निकाल दिया आपको इतना बड़ा करने में, स्टडी पूरी कंप्लीट करवाई है, तो फिर वो देखो ना। एक लड़की के लिए एक मिनट में जान दे दोगे, अब कल वो पूरी लाइफ रोएंगे। नहीं लेना चाहिए ऐसा गलत डिसीजन। तो दोस्तों आपको भी सीख जरूर मिलनी चाहिए यार, ऐसे मतलब समझ रहे हो, तो पहले मतलब प्यार व्यार बाद में देखो यार, पहले अपना गोल बनाओ, परिवार की तरफ देखो, सब कुछ टाइम पे सब कुछ हो जाता है ना। टाइम से बस पेरेंट्स को देखो सबसे पहले, प्यार कुछ नहीं होता, ये तो सब मोह आया है, मोह आया है जो दो दिन का होता है, दो दिन प्यार होता है, तीसरे दिन वही लड़ाई झगड़े, ठीक है? सुनो आपको इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम थी ना, हम इसको सोशल मीडिया अपलोड करेंगे, लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम। नहीं नहीं कोई नहीं, बस ये कि मैं तो सबको यही बोलूंगी कि ये लड़का लड़की होते हैं ना सुसाइड कर लेते हैं प्यार में छोड़ के चले गए, नहीं करना चाहिए। अपने पेरेंट्स को देखो, उनसे बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता मैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर करना यार, समझ रहे हो ना। बाय।